हमें पता है आर्मी में जो वुमेन मिलिट्री पुलिस जाते हैं इनके कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाता है, और हम ये पिछले 3 साल से 2 साल से देख के आ रहे हैं अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस की। तो 2024 की रिव्यू करेंगे, इसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। हमने काफ़ी कैंडिडेट्स में मैसेज पे बात किया है, कॉल्स पे बात किया है, उनसे पूछा है कि आपकी कैसा था क्वेश्चन, कितने आपने अटेम्प्ट्स किया, उस आधार पर हमने एक रिव्यू आपके लिए तैयार किया है कि कितने होना चाहिए आपके CEE का कट ऑफ, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स की आप बात करूँगा, और क्वालिफाइंग के बाद मेरिट लिस्ट का भी बता दूंगा आपको कितने, अगर मेरिट लिस्ट आता है तो आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई पार्ट मिस नहीं करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि यूजफुल कंटेंट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बात करूँगा अगर वुमेन मिलिट्री पुलिस की, यह एक अग्निवीर की स्कीम के दौरान हमारे जो वुमेन है ओनली फीमेल है, इनको करते हैं वहाँ पर इंडक्ट करते हैं इंडियन आर्मी में, और ये सेना पुलिस में जो पहले बॉयज़ थे सेना मिलिट्री पुलिस उनके साथ काम करते हैं, और इनको स्पेशली डिज़ाइन किया है कि जो वोमेन रहते हैं वहाँ पर उनकी जो भी कोई केसेस वगैरह आते हैं उनको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर 2024 के एग्ज़ाम हो गया, जो एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन आया था इनके 50 क्वेश्चन में हमने जैसे पूछा, हर एक एस्पिरेंट से काफ़ी पूछा, कोई बोल रहा है मेरा 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है, 47 हुआ है, कोई बोल रहा है 48 हुआ है, कोई बोला 42, 43, तो सारे का हमने जितने भी बात किया तो 40 के ऊपर ही सारे का अटेम्प्ट हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। एक सब्जेक्ट में काफ़ी लोग मार खाए वो है GK, जनरल नॉलेज। हर एक से हमने रिव्यू लिया हर एक ARO में, तो भाई कैसा कैसे है, सॉरी बहन कैसे कैसे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो सर GK था, GK का पार्ट काफ़ी हार्ड था। मैंने भी काफ़ी लोगों से बात किया तो बोला GK नहीं बन रहा था, बाकी मैथ ईजी था, इंग्लिश ईजी था, जो बाकी जो भी क्वेश्चन इनका था काफ़ी इजी था सिर्फ GK को छोड़ के। तो यहाँ पर GK को आपको फोकस करना चाहिए। तो इस सारे चीज़ें अगर आप इस बार भी फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर अटेम्प्ट देना, और उसके लिए आपको बेस्ट बुक की ज़रूरत है। इसलिए हमने आर्मी सर ऑफिशियल ने स्पेशली डिज़ाइन आपके लिए किया है बुक्स की। आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पर प्ले लिस्ट में ढूंढ सकते हैं बेस्ट बुक का प्ले लिस्ट, वहाँ पर आपको वुमेन मिलिट्री पुलिस का वीडियो मिलेगा, या फिर लिंक नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर बेस्ट बुक का लिंक्स है, और लिंक्स आपसे बुक खरीद सकते हो, और पर्टिकुलर टॉपिक में आप बिल्कुल माहिर हो सकते हो। तो यहाँ पर बात आता है कि पोस्ट कितना है। पोस्ट तो हमारा 99 ही है, पोस्ट अभी इन्होंने बढ़ाया नहीं, टोटल 99 पोस्ट है ऑल इंडिया में। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कितना आएगा ताकि आपको रनिंग के लिए बुलाएगा। अगर मैं इसकी रूल्स की बात करूँ तो इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स तो 40% है, अगर 100 में से आपके 40 मार्क आता है तो यहाँ पर आपको बुला लेगा, इसमें कोई एतराज वाले बात नहीं है। दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आज की डेट में क्वालिफाइंग मार्क्स में पहले कट ऑफ नहीं आता था हमारे टाइम पे। क्वालिफाइंग मार्क जितना है कर लिया तो आप अंदर हो जाओगे, बाकी जो देते थे वो मेरिट लिस्ट बाद में निकलता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, बंदे ज़्यादा हैं, लड़कियाँ 30,000 लड़कियाँ फॉर्म भरे, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के जो कट ऑफ है यहाँ पर 100 में से आपको 40 नहीं, अगर 50% आपके मार्क आता है, 50 से ऊपर आता है, तो आपको रनिंग के लिए बुला लेगा। किसके लिए, रनिंग के लिए आपको बुलाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके मेरिट लिस्ट में कितना जाएगा। तो मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन अगर हम एक्यूरेसी पे लेके चले, 40 × 2 यहाँ पर 80, और हम फिजिकल में 100 में से तो कम चलेगा ही नहीं फिजिकल में। हाँ पास हो जाओगे लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाओगे, तो 100 मान लीजिए फिजिकल में, तो 180 के ऊपर, मैंने पहले भी आपको 3 दिन पहले वाला वीडियो देख लो, यही कटअप दिया था आपको, और आज एग्जैक्टली 180 के ऊपर अगर आपका कटअप आता है तो सोच लेना आपका कहीं नंबर पड़ जाएगा वहाँ पर मेरिट लिस्ट में। अगर नहीं आता है तो मुश्किल है। हाँ क्वालिफाइंग आपको अब रनिंग के लिए पक्का बुलाएगा, अगर आपके 50 मार्क भी है रिटिन में आपको क्वालिफाइंग के लिए 2024 में आपको बुलाएगा। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि आपका जैसे 50 मार्क के लिए आपको कितना 25 क्वेश्चन चाहिए, तो 25 क्वेश्चन आपका अगर सही है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, तो आप अभी गर्ल्स फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। अगर आपकी फिजिकल नहीं बन रहा है, आपकी फिजिकल रनिंग नहीं हो रहा है, हमें आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा वीडियो पर, या फिर हमारे मेंबरशिप आपको मिल जाएगा, वहाँ पर से मेंबरशिप में क्लिक करके हम हमारे गाइड के साथ पढ़ सकते हो, हमारे जो प्लान है अकॉर्डिंग उसके साथ चल सकते हो, और एक सी और सक्सेस लाइफ बना सकते हो। ये कोई प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग और कुछ डाउट है, ये मैंने जो आपको क्वालिफाइंग मार्क बताया ये हर एक ऑल इंडिया बेसिस पर क्वालिफाइंग होगा, और उस क्वालिफाइंग बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा, लेकिन जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो भी ऑल इंडिया बेसिस पर निकलेगा, यहाँ पर ARO वाइज मेरिट लिस्ट आपका नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और कुछ डाउट है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।